आप लोग देख सकते हो ये पहाड़ दिख रहे हैं भाई, और ये देखो गंगा रिवर, और यहाँ पे लोग राफ्टिंग करते हैं, अरे राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इधर साइड में आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। और ये भाई राम लक्ष्मण झूला, इस पर कितनी भीड़ है। तो अभी हम यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे हैं। तो गैज आप लोग व्यू देख सकते हो भाई, इधर से देखो, ये भाई हम यहाँ से आए, ये राम लक्ष्मण झूला है, ठीक है। बड़ा बड़ा बच्चा होना चाहिए। नमस्ते, भाई आप लोगों ने देखा होगा तो भाई बंदर घूम रहे हैं। पहले आगे तक यहाँ तक उठाते हैं। तो गाइस ऋषिकेश से तो हम लोग निकल गए थे, करीब 11 बजे निकल चुके थे। तो वहाँ पे यार लक्ष्मण झूला और राम झूला हमने देख लिया था, तो फिर वहाँ पे और कुछ मतलब ख़ास लगा नहीं यार। तो अब हमारा मूड चेंज हो गया, तो अब हम जा रहे हैं देवप्रयाग, जो कि यहाँ से करीब 65 किलोमीटर दिखा रहा था, बाकी एक घंटा तो हमें हो चुका है ट्रैवल करते हुए। तो अब देखते हैं भाई, वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, तो वहीं पहुँच के मिलते हैं, फिर वहाँ दिखाता हूँ मैं जो दो नदियों का संगम है ना, वहाँ देखेंगे, ठीक है, और वहीं स्टे करेंगे यार, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देवप्रयाग, ये देख रहे हो भाई जो नदी जा रही है, व्यू यार कितना अच्छा है अभी। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं देवप्रयाग। भाई ये जो है ना, ये आप लोग को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा संगम है। तो अभी हम जस्ट थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट पर रुके हैं, ताकि कुछ फ़ोटो और वीडियो क्लिक कर सकें। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं रिज़ॉर्ट पे, फिर उसके बाद जाएंगे स्नान करने। मतलब यार बिल्कुल शांति फील हो रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल शांति हो, व्यू देखो, कोई शोर नहीं भाई, बिल्कुल शांत। सो गाइस फाइनली हम जो है देवप्रयाग पहुंच चुके हैं, करीब हम पहुंच गए थे भाई 1:20 पे। तो अभी हमने जो है एक होटल में रूम लिया है, तो मैं आपको अपना होटल दिखा देता हूँ। उस होटल का नाम है रावत होटल, ठीक है। बाकी यार सही प्राइस में सही मिल गया, वैसे भी हमें नाइट स्टे करना है, और अभी तो हम स्नान करने भी जाएँगे संगम के यहाँ पर। तो और ये देखो भाई,
यार कितना बढ़िया नज़ारा है देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यार कल हम लोग जो है देवप्रयाग संगम गए थे, तो हम लोगों ने स्नान वगैरह किया था, मंदिर घूमे थे, मार्केट वगैरह। तो कल यार मैं आप लोगों को होटल दिखा नहीं पाया अपना, जहाँ पे मैंने स्टे किया था। ले भाई ये भी आ गया, बोल ले भाई सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो कल मैं यार थका हुआ था, तो कल मैं आप लोगों को होटल दिखा नहीं पाया और फिर यार अंधेरा भी हो गया था। तो चलो मैं आप लोगों को आज अपना होटल दिखा देता हूँ, और सुबह के अभी 6:20 हो गए, ठीक है चलो दिखाता हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को आसपास का व्यू दिखा देता हूँ। भाई ये रोड है, ये चलती रोड है जो आगे की साइड जा रही है, और केदारनाथ या फिर पौड़ी गढ़वाल जाना हो। और ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारा रूम है जो आप लोगों को ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला अभी चलते दिखाता हूँ। और ये भाई होटल का नाम है रावत होटल, मतलब सही है यार, कम प्राइस में अपना सही मिल गया यार। नाइट ही तो स्टे करना था हमें, कौन सा बाकी तो घूमना ही है। तो चलो ऊपर चलते हैं, मैं दिखाता हूँ ये भाई स्टेयर्स से। चलो भाई यार नज़ारा बड़ा प्यारा है, मतलब है ना, अपने रूम से बैक साइड में अपना नदी है। आप लोगों को पहले मैं बैक साइड ले जाता हूँ, ये देखो भाई यहाँ से कितना मस्त व्यू आ रहा है, मतलब यार। ये तो भाई बैक साइड से हमारे रूम के होटल के, ये इधर भाई ये ब्रिज है ना जो ओवर ब्रिज, इसके वहाँ से निकल के आ रही है जो गंगा नदी है। मतलब ये जो कल हम लोग गए थे ना यार, जहाँ पे देवप्रयाग संगम है, तो कहते हैं कि जो भागीरथ और अलकनंदा ये जो दो नदियाँ हैं ना, इन दोनों से मिलके बनी है अपनी गंगा नदी, तीन संगम भी बोलते इसको। कोई यार दो बहनें भी कह देता है, कोई सास बहू भी कह देता है, ठीक है। तो ये हमारा भाई बैक साइड का व्यू है, ये देखो आप। चलता हूँ मैं अपनी भाई, ये हमारा जो बालकनी से व्यू है वो ये भाई, ये कुछ मतलब ये हमारे यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं, बाकी लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे भाई। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई, ब्लैंकेट वगैरह है भाई, ये हमारा बैग पड़ा, पिलो है, और ये देख लो भाई चार्जिंग पॉइंट भी है, पिलो वगैरह है, ब्लैंकेट है, बेड भी सही है भाई, अपना चेयर है, टेबल वगैरह, ठीक है। और अब भाई हमारी कोशिश है कि सुबह आज हम लोग करीब 7 तक यहाँ से निकल जाएंगे, फिर रूम से आज हम दिल्ली चले जाएंगे वापसी अपने घर। आगे का तो यार अभी कुछ इरादा है नहीं, कभी और दिन देखेंगे यार, आएंगे तो टाइम से तो तब चलेंगे। बाकी अब चलते यार, चाय वाय पी के निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है ओके। चाय और बिस्किट आ गया पाली जी के, अब यार सुबह कर चाय वाय पी लिए, अब थोड़ा सा आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ नीचे स्टेयर से उतर के। तो देख रहे हो नदी, वहाँ पे जाना है यार अपने को, दिखाता हूँ कितना बढ़िया नज़ारा। सो गाइस देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अभी नीचे नदी है भाई, अभी नीचे चलते हैं यहाँ पे, है ना नीचे, मेरा भाई भी वहीं मिल गया हुआ, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ नज़ारा, ठीक है। तो भाई अभी मैं नीचे पहुँच गया हूँ, आप लोग देख सकते हो भाई ये कितना साफ़ पानी है ना, इसमें मछलियाँ भी हैं भाई। अभी तो खैर मेरे को दिख नहीं रही, नहीं तो मैं आपको दिखाता, कल मैंने देखी थी भाई मछली, कैप्चर करना भूल गया थोड़ा, क्योंकि यार भीड़ वगैरह थी ना। तो अभी भाई देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और ये देखो भाई
तो गाइज मैं वहाँ स्टेयर्स के वहाँ था, आप लोगों को दिखा दिया नज़ारा। अब फिलहाल मैं थोड़ा यहाँ पे आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो भाई वहाँ स्टेयर्स से आया था मैं वहाँ से, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आया हूँ काफ़ी हाइट पे, मतलब क्लिफ जिसे बोलते हैं। यहाँ से लोग, मतलब यार जिन्हें तैरना आता वो तैराकी भी करते हैं। तो यहाँ से नज़ारा देखो भाई, नज़ारा दिखाने के लिए लाया था मैं आपको। यहाँ से हम लोग यार कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेंगे, वीडियो वगैरह बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा फ़ोटो वगैरह लेके वापसी चलते हैं अपने होटल पे, और फिर निकलते हैं भाई घर के लिए अपने दिल्ली। अब हम लोग, सुबह का टाइम है 7:28, अब हम लोग जो है निकलने वाले हैं यहाँ से। और भाई अब हम दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और ये मेरा भाई है, साफ कर रहा बाइक। भाई यही बाइक अपनी जो भाई हमें यहाँ तक लेके आए, डिस्कवर कौन सी भाई, 125 cc अपनी, ये 125 ST 22 cc हम लोग आए। तो काफ़ी रास्ते इसने चलाई, काफ़ी रास्ते मैंने चलाई, हम दोनों मिलके चलाते रहे भाई। यही होता है यार, दोनों को ड्राइविंग आती हो ना तो ये फ़ायदा रहता है अपना, मिल बांट के चला लो। तो हम निकलते हैं भाई यहाँ से, ठीक है, 7:30 करीब निकल जाएंगे यहाँ से, 2 मिनट बाकी है। ये साफ कर रहा बाइक, फिर अपना निकल जाएंगे भाई। देखते हैं अब दिल्ली कितने बजे पहुँचेंगे, करीब दिखा तो रहा है भाई 7-8 घंटे। देखो होगी भाई बाइक साफ, चल फिर निकलते हैं। सो गाइस अभी मैं यार यहाँ पे हूँ, रास्ते में रुका हूँ एक पॉइंट पे। तो हम दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, करीब 313 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अभी यार हमारे कुछ भाई लोग मिल गए थे रास्ते में, तो हेलो भाई, ये भाई भी हमारे, हर हर महादेव। और भाई ये भाई भी हमारे, और पीछे यार स्टैचू है भोलेनाथ शंकर जी का और शिवलिंग है, ठीक है। तो भाई अब थोड़ा सा एक दर्शन कर लिए, अब निकलते हैं वापस, ठीक है। चलो भाई आप तो अभी हम यहाँ से आए गाइस, ये देख सकते हो। अब चलते हैं खा के, है ना। तो गाइस हमारी मैगी जो है रेडी हो गई है काफ़ी देर इंतजार करने के बाद। भाई देखो यार कितनी स्पाइसी बनाई है भैया ने, मटर वटर मिर्च वगैरह प्याज वगैरह पता नहीं क्या क्या सब कुछ डाल के ना, मसाले कहाँ से लाते हैं भैया, तो मतलब मस्त है। और यही भैया हमारे मैगी पॉइंट वाले, ठीक है यार, भैया ने बहुत अच्छी मैगी बनाई, देख के पता चल रहा है यार मैग जो आ रही है ना गाइस तो बहुत अच्छी है यार। तो इस मैगी पॉइंट पर ना, यहाँ पर आप लोग अगर इस रास्ते से जा रहे हो तो ज़रूर आना, पोडियाल बताया ना भैया आपने इस जगह, पोडियाला, हाँ तो NH 58 है पोडियाला, भैया आप ही बता दो एड्रेस। NH 58 बद्रीनाथ वाला केदारनाथ वाला हाईवे, पोडियाला एक जगह पड़ता है सिंगाली बीच से थोड़ा सा पहले। अच्छा धन्यवाद, हाँ अरे भैया बिल्कुल। बाकी भाई यहाँ आओ, भैया की मैगी खाओ यार, चटपटी सी स्वादिष्ट, और चाय का चुस्की लो। और देखो यार इस मैगी पॉइंट से एक फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे आप बैठ के ना चेयर पे आराम से खाओगे ना, बिल्कुल यहाँ से बैठ के मैगी खाओ यार अपना, और व्यू देख रहे हो यहाँ पे, मैगी खाओगे बैठ के तो यार बिल्कुल मस्त नज़ारा आ रहा है। यहाँ से नदी दिख रही है आप लोगों को, और म्यूज़िक देखो, मतलब यार म्यूज़िक इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यार नदी का बहता पानी ना, उसकी आवाज़ जो सुनाई देती है, बड़ी सुकून मिलता है यार। तो गाइस अपनी मैगी और चाय, अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया भाई, देख रहे हो। सो गाइस अभी हम लोग जो हैं देवप्रयाग से निकल चुके थे, अब हम रास्ते में एक जगह रुके हैं जो यार काफ़ी बढ़िया है ट्रैक करने के लिए। मैं पहले भी आया था यहाँ पे, नीर वाटरफॉल, तो यहाँ पे टिकट लेने गया भाई मेरा भाई, वो टिकट लेके आएगा क्योंकि तो टिकट लेनी पड़ती है यार वहाँ पे। तो यहाँ पे 3 वाटरफॉल है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो गाड़ी तो हमारी बाइक तो पहले वाटरफॉल तक ही जाएगी, क्योंकि उससे आगे है ना फिर बाइक जा नहीं सकती यार, तो हमें कहीं खड़ी करके जब देखना पड़ेगा, देखते हैं। तो भाई अभी मैंने देखा इस
इसका जो नाम है ना नील झरना नाम है, ठीक है, जो पहला वाटरफॉल है। ये देख सकते हो पार्किंग वगैरह आगे, यार यहाँ से आगे तो गांव है खैर, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है। और ये मैगी पॉइंट है जहाँ पे लोग है ना मना करते हैं आगे बाइक नहीं जाएगी, तो हम लोग यहाँ से आए थे अपना बाइक से ट्रैक करके। तो ये पहला वाटरफॉल है नील फॉल, और ये मैगी पॉइंट है, ठीक है। हम लोग ऊपर जाते हैं, ये पहला वाटरफॉल है, इससे ऊपर जाके और है बड़ा, और सबसे बड़ा सबसे ऊपर है। मतलब मैं पहले आया था तब मैंने देखा था। अब चलते हैं। सो गाइस देख सकते हैं यार हम ट्रैक करके जा रहे हैं, नीचे से आए थे, ठीक है, चलो चलते हैं। सो फाइनली गाइस हम लोग जो है अपने फर्स्ट वाटरफॉल तक पहुंच गए, इसको नील फॉल कहते हैं। हाँ देख रहे हो आप लोग सभी नहा रहे यार, और ये ओवर ब्रिज है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, ये नीचे देखो भाई कैसे दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई यहाँ से पानी आ रहा है, ये वो यहाँ अभी हम लोग नहाएंगे सोच रहे, यहीं पे नहा के ना निकल जाएंगे यार। ऊपर वाला मैंने देखा हुआ है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है झरने में नहाने निकल रहे हैं, यहाँ से कपड़े पड़े भी हुए यार चेंज करने, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं। चलो भाई चलते हैं करते हैं। तो गाइस हम लोग जो है ना नील झरना पे ऊपर जो गए थे, तो वहाँ से नहा धो लिए, अब कपड़े अपने चेंज कर गए ना। अब करीब 12:08 हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस, ठीक है यार। अब आए हुए थे तो सोचा नील झरना रास्ते में, तो अब वो तो गाइस हम लोग जो है ऋषिकेश आगे आ गए, तो गाइस अभी 2:46 हो रहे हैं और हम अभी एक जगह रुके हैं, दिल्ली दरबार बहुत ही नज़दीक रह गया, अब 119 किलोमीटर पहुँच जाएँ घर पे। पर खाना खा रहे थे महालक्ष्मी टूरिस्ट का भाई, देखते भाई क्या क्या मिलता है यहाँ पे, और खाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस हम लोग जो महालक्ष्मी ढाबा है इसमें आए हैं हम लोग, तो अभी हमने जो है कुछ ऑर्डर किया है, मटर पनीर या और बटर नान, और ये अपना थोड़ा खाना खा के फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई हमारे जो है बटर नान और मटर पनीर हमने ये मंगाया है, और सैलेड है, मिर्च है, प्याज है, और ये प्लेट आ गई हमारी, हमारे प्लेट भी आ गई है, तो बस खाते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। हमने यार खाना तो ऑर्डर किया था, और हमने एक चीज़ और ऑर्डर किया, सैलेड पापड़। तो देख रहे हो ये हमारा सैलेड पापड़, तो बस सैलेड है और ये पापड़, फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा। सो गाइस अब हम यहाँ से खाना वाना खा लिया हमने, और यार फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी लो थी, तो भैया के ढाबे पे हमने थोड़ा चार्ज कर लिया, महालक्ष्मी टूरिस्ट ढाबा। खाना काफ़ी अच्छा लगा यार, ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार था। तो अब 4:02 हो रहे हैं, अब निकलते हैं, करीब 120 किलोमीटर दूर रहेगा बस दिल्ली, तो करीब देखते हैं भाई। अभी हम मुजफ्फरनगर में हैं, ठीक है, देखो 2-2.5-3 घंटे लग जाएंगे शायद अब, लेकिन रुकेंगे नहीं यार, अब मुश्किल है। तो गाइस अब हम यहाँ पे हैं आश्रम, करीब 7:07 हो रहे हैं, तो अभी हम मतलब दिल्ली में एंट्री कर देंगे भाई, थोड़ी देर और पहुँच जाएंगे भाई यहाँ से। यार हम लोग बहुत थोड़ा जल्दी भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा ना अभी इसमें एक तो ट्रैफिक जाम और एक रास्ता जो कि मैप ने गलत बता दिया, हम लोग थोड़ा ना रास्ता भटक गए थे, तो इसीलिए थोड़ा और टाइम लग गया, वरना हम थोड़ा जल्दी और हो सकते थे। चलो कोई नहीं यार, बाकी अभी रेड लाइट हो गया है तो फिर चलते हैं देख। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक लगा हुआ है यार, मतलब यार दिल्ली ये
जाम की तरफ बात क्या बोलूँगा आप लोगों को, मैं दिखाऊँगा ये लेवल हो गई। फाइनली हम लोग जो है पहुँच गए अपने नारायणा, जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 7:26। तो हम फिलहाल यार देखो, हम लोगों का प्लान तो था कि हम गाड़ी से भी जा सकते थे, लेकिन यार वो कहते हैं ना कि हर चीज़ का मज़ा अलग है। तो हमारा इस बार मन था कि बाइक से चलते हैं, एक नया एक्सपीरियंस भी गेन होगा। तो यार ऐसा नहीं है कि काफ़ी मज़ा आया यार, ठीक है अपना जैसे भी कम्फर्टेबल है। बाकी आप लोग को यार मैं ब्लॉग मतलब मैं ब्लॉगिंग तो करता नहीं हूँ यार फिलहाल से, तो आप लोगों को तो पता है, लेकिन ये है कि जब भी कहीं घूमने जाया करूँगा तो चीज़ें एक्सप्लोर किया करूँगा। तो बाकी यार हम लोग आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे वापस, जहाँ से चले गए। चलो ठीक है, सब बाय बाय, टेक केयर।